हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। इन दिस वीडियो वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, सो व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज ही होता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बताना है, ठीक है। तो मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ। तो मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स वगैरह फाउंड होते हैं अर्थ पे। मिलियन कितने? 1.7 मिलियन, मैंने अभी पता भी रखा था। मैनी ऑफ दिस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट वाइल मैनी फ्यू न्यू स्पीशीज़ आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर्ड हो गई हैं और बहुत सारी प्रोसेस में, मतलब स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड वाली प्रोसेस में, मतलब उन्हें डिस्कवर किया जा रहा है, ठीक है। एंड मैनी ऑफ देम आर डिस्कवर्ड ऑलरेडी। ओके, देयरफॉर टू क्लासिफाई दीज न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैव टू बी डिवाइस्ड एवरी नाउ एंड देन। तो इन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए एक न्यू सिस्टम की, क्लासीफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत तो होती है। इसलिए क्लासीफिकेशन सिस्टम जो है वो डिवाइस हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है अभी भी और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइंस है, साइंस तो चेंज होती रहती है, डायनेमिक होती है। दिस क्रिएट्स द रिक्वायरमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो उसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब भाई क्या पता आगे जाके कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाए जिसकी कैटेगरी मान लो फिश से भी मिल रही है, मतलब पाइसेस से भी, प्लस वो उनकी प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है कि इनकी मैमल्स की। तो उनके लिए तो एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा ना भाई। तो यही हमारा करेगा काम कब, जब एक नया सिस्टम बनेगा, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।